हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद टेस्ट। आज हम बनाएंगे किड्स स्पेशल फ्रेंच फ्राइज। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, आइए इसकी लिस्ट देख लेते हैं। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हम लंबे साइज के आलू का यूज़ करेंगे और इसमें स्टार्च भी कम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आलू को अच्छे से छील लेंगे और इसे फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट लेंगे। इसके बाद हम इसे पानी में रखेंगे जिससे कि फ्रेंच फ्राइज़ हमारे काले ना पड़ें। इसके बाद हम इसे 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे। इस पानी को आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे बॉईल करेंगे। भगोने में पानी को गर्म होने रखें। जैसे ही पानी हमारा हल्का सा गर्म हो जाए, हम इसमें फ्रेंच फ्राइज को डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें बॉईल करेंगे। बीच बीच में इसे चला देंगे। ये देखिए, आलू हमारे बॉईल हो गए हैं। हल्के से ट्रांसपेरेंट होने पर हम इन्हें स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और आइस कोल्ड वाटर में हम इसे डालेंगे जिससे कि यह एक्स्ट्रा कुक ना हो जाएं। इसके बाद हम इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। और इसे कपड़े पर सुखाने के लिए रख देंगे जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। इसके बाद हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसके ऊपर 2 से 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर को हमें फैला कर डालना है, इस बात का ध्यान रखें जिससे कि सारा कॉर्नफ्लावर हमारे आलू पर आ जाए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाए, हम इसमें फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करें। बीच बीच में हम इसे चला देंगे। अब हम फ्रेंच फ्राइज को निकाल लेंगे। इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए हम इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंच फ्राइज हमारे अभी ढीले हैं, अभी क्रिस्पी नहीं हुए हैं। जब हम इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे तो यह क्रिस्पी हो जाएंगे। इसी तरह हम सारे फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लेंगे और जो फ्रेंच फ्राइज हमने सबसे पहले फ्राई किए थे, अब हम इन्हें दोबारा फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करें। ये देखिए फ्रेंच फ्राइज हमारे क्रिस्पी हो गई हैं। बिल्कुल मार्केट जैसा कलर लग रहा है हमारे फ्रेंच फ्राइज का। ये देखिए फ्रेंड्स, नाइस कलर। अब हम इन्हें किसी बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने क्रिस्पी हमारे फ्रेंच फ्राइज बने हैं। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारे फ्रेंच फ्राइज कितने क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसे टमाटो केचप या मेयोनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। इस स्टाइल से फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी एक बार आप भी ज़रूर बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय। आप हमारी ये रेसिपीज़ भी ट्राई कर सकते हैं।